1980 के दशक में दुनिया ने फॉर्मूला वन रेस के दो महान चालकों की प्रतिद्वंद्विता को देखा। ये थे एयरटन सेना और एलन प्रोस्ट। '86 में प्रोस्ट ने दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप जीती। फ्रांस के लोग अपने इस नायक के दीवाने थे। जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने अपनी विजेता कार शांज एलिजे में चलाई। एलन प्रोस्ट फॉर्मूला वन के बादशाह थे, लेकिन माहिर एयरटन सेना ने 4 ग्रांड प्री मुकाबले जीत लिए। वो प्रोस्ट का ताज हथियाना चाहते थे। फॉर्मूला वन में 4 साल से कार चला रहे सेना को 1988 में वो मौका मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। मैक्लारेन ने उन्हें अपनी टीम के लिए कार चलाने को बुलाया। उस वक्त की सबसे तेज कार में सेना को दुनिया का सबसे तेज चालक बनने का मौका मिला। लेकिन एक परेशानी थी, प्रोस्ट भी मैक्लारेन के चालक थे। अब उनकी प्रतिद्वंद्विता व्यक्तिगत हो गई थी। जब से सेना मैक्लारेन में आए थे, तभी से हमें लगने लगा कि अब मामला गंभीर होने वाला है। एक चालक ने सेना को चेतावनी दी कि प्रोस्ट की अपनी टीम पर अच्छी पकड़ है। उन्होंने कहा कि मैक्लारेन में जा रहे हो तो सावधान रहना। ये मत भूलना कि वहाँ प्रोस्ट कई सालों से है और वो चैंपियन है। सेना का जवाब था, अब तो मैं सबसे पहले उसी को खत्म करूंगा। मैक्लारेन कार मिलने पर सेना को लगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। 1988 के सीजन की तीसरी रेस मोनिको ग्रांड प्री के क्वालिफाइंग दौर में सेना कुछ ठान कर बैठे थे। जब अपनी मैक्लारेन को सेना ने उसकी हदों के पार पहुंचाया, तब उन्हें लगा कि वो असलियत से दूर हैं। सामने मौजूद सड़क एक अनंत सुरंग लग रही थी। फिर रेस के दौरान उन्हें दोबारा यही एहसास हुआ। बाकी चालकों से आगे चल रहे सेना को रफ्तार कम करने का आदेश दिया गया। जब उन्होंने अपना पैर पेडल से हटाया, तब उनका ध्यान बटा और वो एक अवरोध से जा टकराए। सेना मान रहे थे कि ईश्वर की शक्ति ने ही उन्हें इस खौफनाक हादसे में बचा लिया। वो तो यही मानते थे कि उन्हें ये हुनर ईश्वर ने दिया है और ईश्वर ही उन्हें इतनी तेज रफ्तार से जाने में मदद करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो अवचेतन विश्व में हैं, जहां रफ्तार लगातार बढ़ती जाती है और वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। प्रोस्ट की कार की रफ्तार तेज थी और ईश्वर उनके साथ थे, इसलिए सेना को लगा कि उन्हें रोकना नामुमकिन है। 1988 में उनका ये सपना पूरा हो गया। प्रोस्ट की 7 जीतों के मुकाबले सेना 8 ग्रांड प्री जीतकर विश्व चैंपियन बन गए। उनकी जिंदगी का यही मकसद था, वो कामयाब रहें। उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली। सच में वो तो 7वें आसमान पर थे और उन्हें इस बात का एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सामने खड़े ईश्वर को मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं। 1988 सेना के लिए जीत का साल था, लेकिन प्रोस्ट के लिए तबाही भरा। उन्होंने अपना ताज एक युवा प्रतिद्वंद्वी के हवाले कर दिया था, इस वादे के साथ कि वो ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। पहले तो उनके बीच जोरदार प्रतिद्वंद्विता थी, आपसी संबंधों में कड़वाहट थी, लेकिन अब वो नफरत में बदल गई थी। 1989 में इनकी प्रतिद्वंद्विता की आग में दूसरे चालक झुलस गए। उसी साल जापान में पेनल्टीमेट रेस हुई और आगे रहे प्रोस्ट। उन दिनों मुकाबला सिर्फ 2 चालकों के बीच था, एलन प्रोस्ट और एयरटन सेना। दोनों ही सवार थे मैक्लारेन में। ये दोनों सर्वश्रेष्ठ चालक थे, उनकी कारें बेहतरीन थी। दोनों में से एक की ही जीत होनी थी और उसका फैसला हुआ सुजुका में। प्रोस्ट लगातार आगे चल रहे थे और सेना उनके ठीक पीछे। सेना को आगे निकलकर अपने लिए दूसरी विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने लायक अंक जुटाने थे।
लेकिन प्रोस्ट इसके लिए तैयार नहीं थे। जब प्रोस्ट एक मोड़ पर मुड़े तब सेना ने उन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश की। मैंने इतिहास बनते देखा। प्रोस्ट बार बार रियर मिरर में देखते रहे ताकि सेना को जाल में फंसा सके। प्रोस्ट को अंदाजा हो गया था कि सेना कोई खतरनाक हरकत करेंगे, लेकिन प्रोस्ट ये भी जानते थे कि अगर सेना ने ये जापानी ग्रैंड प्री नहीं पूरी की तो विश्व चैंपियन बनने का उनका सपना टूट जाएगा। सेना और प्रोस्ट के बीच की दूरी कम होती गई और एक मछली की तरह प्रोस्ट उसे अपने जाल में लाना चाहते थे। इस तरह सेना नजदीक आते गए। वो और नजदीक आए। प्रोस्ट ने देखा कि सेना आक्रमण करने जा रहे हैं। तभी गाड़ियां टकराई और एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। आखिरकार प्रोस्ट ने उसे अपने जाल में फंसा ही लिया। प्रोफेसर ने सेना को मात दे दी। वो विश्व चैंपियन बने और अपना ताज फिर से हासिल कर लिया। लेकिन सेना ने बदला लेने की ठानी। सेना प्रोस्ट का नाम नहीं लेते थे। वो या तो उन्हें वो कहते थे या फ्रांसीसी, लेकिन ज्यादातर वो।